अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने करना है जनरल ट्रेनिंग की। जो रीडिंग में आपके पास ब्लैंक्स आती हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप रीडिंग करते हैं, आपके पास रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने रीड करना है, एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। जो आपके पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स, जो एग्जैक्ट वर्ड आपको इस पैसेज में नहीं मिलते, आप के ये करते हैं कि आप उनको पैराफ्रेज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उनके सिनोनिम सर्च करते हैं इन योर पैसेज। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 to 14। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, चूज नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड आर नंबर फॉर द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। अब यहाँ पे जब भी आप रीडिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं, यू हैव अ वर्ड लिमिट, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स और नो मोर देन 3 वर्ड्स और राइट ओनली 1 वर्ड। आपने उस लिमिट को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। जब भी आप रीडिंग करें, स्टार्ट योर रीडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन एंड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अल्टन्स टावर इज ब्रिटन्स ओनली डैश, बल्कि ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज चेक ऑन द वर्ब साइट। ओके, चेक ऑन द वर्ब साइट बिफोर गोइंग सो एज नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड बाय सच थिंग्स। हमने क्वेश्चन को रीड किया एंड वी हैव अंडरलाइन द कीवर्ड्स। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? फर्स्ट थिंग इज वर्ब साइट, बिफोर गोइंग सो एज नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड बाय सच थिंग्स एज। वेबसाइट आ गया आपके पास, वेबसाइट, चेक एंड डिसअपॉइंटेड। द सेकंड क्वेश्चन इज एल्टन टावर्स इज ब्रिटन्स ओनली, दिस इज ब्रिटन्स ओनली डैश स्टाइल थीम पार्क, ठीक है। दीज आर द कीवर्ड्स, न्यू एट एल्टन टावर्स। अब यहाँ पे क्या चीज नई है? न्यू एट एल्टन टावर्स इज अ प्ले एरिया। प्ले एरिया उसका नाम जो है वो आपने लिख रहा है देख के पैराग्राफ से। इफ यू डोंट माइंड गेटिंग वेट वेट एट एटन्स टावर देयर ट्राई द गेम। अब जो उस गेम का नाम दिया गया आपको, आपने वो यहाँ पे लिखना है। आउट ऑफ द नेगेटिव्स इज द डैश। नेगेटिव्स मीन कि उसके आप कॉन्स कह सकते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स कह सकते हैं, या जो उसमें नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव्स, ठीक है। नेगेटिव्स इज डैश ऑफ गेटिंग इन। गेटिंग इन का आपने सिनोनिम यहाँ पे सर्च करना है, या उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि वहाँ पे किस सेंस में यूज़ किया गया। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट ऑन सम ऑफ द बिग राइड्स अर्ली, ठीक है, ट्राई बुकिंग डैश। अब वो कह रहा है कि अगर आप जल्दी उनमें जाना चाहते हैं तो ट्राई बुकिंग डैश। अब ओबियसली आपको बुकिंग भी जल्दी करनी पड़ेगी, या एडवांस बुकिंग करें, जो भी आपके पास वर्ड आएगा वी हैव टू मैंशन हेयर। द सेकेंड वन इज परहैप्स द क्वाइट गार्डन। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वाइट गार्डन एरिया इज अ गुड प्लेस टू हैव अ डैश। अब देखिए, हमने सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए एंड वी हैव अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। हमने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को भी अंडरलाइन कर लिया। नाउ वी विल लुक एट टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम देखेंगे एंड वी विल फाइंड द आंसर। हमने आंसर्स को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि चेक ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट इज इम्पॉर्टेंट वर्ड, देन यू हैव डिसअपॉइंटेड। क्योंकि आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, वो हमेशा सीक्वेंस में होती है। आइदर यू आर फॉर द जनरल ट्रेनिंग और आइदर यू आर फॉर द एकेडमिक मॉड्यूल, जो भी आपके पास है दोनों हम सीक्वेंस में फाइंड करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट लाइन। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे, ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स आई हैव हैड द प्लेयर एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स रियली बीन अ प्लेयर। अब हमने वर्ड्स को तलाश करना है, दैट इज वेबसाइट, एंड द सेकेंड वन क्या था? दिस अपॉइंटमेंट। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है इन दी पैराग्राफ वन, इसको हम फिर स्किप कर देंगे। इसको रीड करें, विच पार्ट बेस्ट सूट्स यू एंड योर फैमिली, मेनी ऑफ द राइड्स हैव हाइट रिस्ट्रिक्शंस, सो टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट चेक डिटेल्ड एंड रेलिवेंट वेबसाइट। अब देखिए, एक लाइन में आपके पास तीनों कीवर्ड्स आ गए। कीवर्ड क्या था? एक था चेक, सो यू हैव सर्च हियर। दूसरा सेकेंड वन इज वेबसाइट, वेबसाइट ये आ गया, एंड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का यहाँ पे आ गया डिसअपॉइंटमेंट। अब अगेन क्वेश्चन रीड करें कि चेक ऑन द वेबसाइट बिफोर गोइंग सो नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड बाय सच थिंग एज डैश। किस चीज़ से आप डिसअपॉइंट ताकि ना हो सकें? सो द आंसर हेयर इज, क्या कह रहे हैं कि हेयर माई फाइंडिंग्स, आई होप दैट
I hope they will help you decide which park best suits you and your family. Many of the rides have height restrictions. ठीक है, so to avoid disappointment, check details of the relevant website. अब वो कह रहा है कि disappointment किसके disappointment से बचने के लिए, for the height restrictions आप ये check करें website. अब ये आंसर, अगर क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आपको यहाँ से मिला है, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स इन सीक्वेंस. आपने इससे ऊपर मूव नहीं करना, बल्कि हम डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे. ठीक है, न्यू एटन टावर इज अ प्ले एरिया कॉल डैश. अब क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टेन के, न्यू एट अटन टावर इज अ प्ले एरिया कॉल डैश. अब यहाँ पे देखते हैं, इसकी क्वेश्चन नंबर बल्कि हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन स्किप हो गया. दैट इज अटन टावर इज ब्रिटेन्स ओनली डैश स्टाइल थीम पार्क. अटन टावर की बात हो रही है यहाँ पे. अटन टावर क्या है, इज ब्रिटेन ओनली प्रॉपर थीम पार्क रिजर्व इन द डिस्नी मोड. अब ऊपर वर्ड लिमिट भी आपके पास थी कि यू कैन राइट नो मोर देन थ्री वर्ड्स. तीन वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते थे. अटन टावर इज ब्रिटेन्स ओनली उसने क्या लिखे, स्टाइल थीम पार्क ऑलरेडी मैंशन है. द वर्ड डिस्नी इज मिसिंग, सो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वर्ड डिस्नी. ठीक है, अब डिस्नी का डी आपने कैपिटल लिखना है, क्योंकि डिस्नी जो है दैट इज अ प्रॉपर नाउन जो भी होते हैं हम उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, ताकि आपका जो ये क्वेश्चन है ये गलत ना हो. इट्स बेटर दैट यू ऑल कैपिटलाइज ऑल द लेटर्स. सब लेटर्स को अगर आप कैपिटलाइज करते हैं तब भी आपके पास सही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री इज न्यू एट अटन टावर्स इज अ प्ले एरिया कॉलेज. अब न्यू की बात हो रही है तो हम यहाँ पे जाएंगे, अटन टावर्स की बात हो गई, व्हाट्स न्यू, अब यहाँ पे क्या चीज नई है. ठीक है, अब नई क्या चीज है, ओके अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर टेन था, न्यू एट अटन टावर्स, तो न्यू की बात हो रही है, वी विल मूव हियर, व्हाट्स न्यू, न्यू पे हम आ गए. न्यू एट अटन टावर्स इज अ प्ले एरिया, आप किसी प्ले एरिया की बात हो रही है और उसका नेम, एग्जैक्ट नेम मिसिंग है. वी विल फाइंड आउट द नेम. क्या नेम है कि इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव इट्स अपील टू फैमिलीज विद यंग चिल्ड्रन, द पार्क हैज ओपन अ हाई क्वालिटी एक्वेरियम एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट पार्क, दैट इज ऑल्सो न्यू इज क्लाउड कुकू लैंड. ठीक है, ये अब नेम है. अब इस नेम में देखिए, यू हैव थ्री वर्ड्स, क्लाउड कुकू लैंड. इट मीन्स के यू कैन राइट थ्री वर्ड्स हियर. आपके पास वर्ड लिमिट थी, आप यहाँ पे ये लिख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव इफ यू डोंट माइंड गेटिंग वेट एट अटन टावर ट्राई द गेम डैश. ठीक है, कि अटन टावर्स में आप कौन सी गेम ट्राई कर सकते हैं इन वाटर, क्योंकि वो कह रहा है इफ यू डोंट माइंड गेटिंग वेट. वी विल लुक एट दिस पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ से अगर ये आंसर मिल गया, डाउनवर्ड हम मूव करेंगे. द पार्क बिग ड्रॉज एंड इट्स. अब की वर्ड्स हमारे पास क्या थे इस क्वेश्चन में, वेट, अटन टावर्स एंड द गेम, तीन वर्ड्स हमारे पास आ गए यहाँ पे. अब देखिए ये पैराग्राफ रीड करें, यू विल फाइंड द की वर्ड्स हियर. ओके, द पार्क बिग ड्रॉज एंड द, ओके यहाँ पे आ जाएं, प्रिपेयर टू गेट एब्सोल्युटली सोक्ड, बैटल गैलून्स बेसिकली अ वाटर पिस्टोल, एंड इफ यू आर प्रिपेयर टू गेट एब्सोल्युटली सोक्ड. अब सो आपके पास वेट था, वेट क्या है, वेट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सोक्ड. ठीक है, वेट और सोक्ड इनका सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं. और वो गेम उसने क्या बताई है कि इफ यू डोंट माइंड गेटिंग वेट एट अल्टन टावर्स ट्राई द गेम, एंड गेम का नाम क्या है, बैटल गैलून्स. ठीक है, वन ऑफ द नेगेटिव इज द डैश. नेगेटिव्स मैंने आपको क्या बताए थे कि नेगेटिव्स मीन के उसके बैड पॉइंट्स आप कह सकते हैं या कौनस आप कह सकते हैं किसी चीज ऑफ गेटिंग इन. गेटिंग इन मीन वाइल रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, ड्यूरिंग इंट्री, इस ये सिनोनिम्स हैं ऑफ गेटिंग इन. एंड द थिंग हियर इज, गिवन द हाई कॉस्ट ऑफ एडमिशंस देर आर टू मैनी अनफेयर स्टॉल्स चार्जिंग सेवरल पाउंड्स अ गो. ठीक है, अब क्वेश्चन था कि वन ऑफ द नेगेटिव्स इज द डैश ऑफ गेटिंग इन, और नेगेटिव की जगह उसने क्या यूज किया, गिवन द हाई कॉस्ट ऑफ एडमिशन देयर आर टू मेनी फन फेयर स्टॉल्स चार्जिंग सेवरल पाउंड्स अ डे. तो यहां पे हमारे पास मेन वर्ड इसका क्या आ गया, हाई कॉस्ट ऑफ एडमिशन. ठीक है, हाई कॉस्ट इज योर आंसर हियर. Last sentence is, second last is, if you want to get on some of the big rides early,
try booking dash. अब यहाँ पे वर्ड है आपके पास, इफ यू वॉन्ट टू गेट ऑन सम ऑफ द बिग राइड्स अर्ली try booking dash. कि क्या करना चाहिए आपको, अगर आपको राइड जल्दी चाहिए try booking. इस साइट पे आप आ जाए. ओके, बाय टिकट्स इन एडवांस एट दिस, ये आपके पास अब वेबसाइट है. नॉट ओनली आर दे चीपर बट दिस वन यू गेट एक्सेस टू सम मेजर राइड्स एंड आर बिफोर द रेगुलर ओपनिंग. और यहाँ पे उसने डिटेल दी है कि इफ़ यू वांट टू गेट इन सम ऑफ द बिग राइड्स अर्ली ट्राई बुकिंग बिग राइड्स, अगर आपको पहले चाहिए तो आप क्या करें, ट्राई बुकिंग इट इन एडवांस. द लास्ट क्वेश्चन इज परहैप्स द क्वाइट गार्डन एरिया इज गुड प्लेस टू हैव अ डैश. क्वाइट, ठीक है, क्वाइट गार्डन एरिया कहाँ पे अब वर्ड ढूंढ देंगे. बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स आइदर इन द लॉन्स इन फ्रंट ऑफ द मैंशन इन द ट्रैंक्विल लैंडस्केप गार्डन. अब ट्रैंक्विल किसको बोलते हैं, ट्रैंक्विल इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्वाइट. परहैप्स द क्वाइट गार्डन एरिया इज अ गुड प्लेस टू हैव अ डैश. अब क्या कहते हैं कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू हैव अ बेस्ट पिकनिक. तो वर्ड हमने सिर्फ क्या लगाना है, पिकनिक, टू हैव अ पिकनिक. ठीक है, अब ये थे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ यू कैन कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स. ये हमेशा हमारे पास सीक्वेंस में आती है, सीक्वेंस वाइज हमने सारी किए. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको समटाइम एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलते, यू विल नॉट फाइंड द यू कैन से कीवर्ड्स. अगर यहाँ पे न्यू है या गेटिंग वेट है तो हो सकता है आपको वेट ना मिले, वेट की जगह पे आपको क्या मिला है, यू हैव फाउंड द वर्ड हियर, अब वो आपको एक वर्ड नज़र आया था. एंड सेम इज केस विद दिस वन, ये ट्रैंक्विल है और यहाँ पे हमारे पास क्या था, वर्ड क्वाइट. इट मीन्स कि आपको जब सिनोनिम्स आएंगे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, यू कैन डू द रीडिंग टेस्ट कम्प्लीटली. ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.